स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की ताजा खबरें। पिछले साल फरवरी में सलमान खान ने मुंबई में शाहरुख खान की पठान में अपनी एक्शन पैक्ड उपस्थित के लिए शूटिंग करी थी। सलमान खान ने अविनाश सिंह राठौड़ के रूप में अपनी उपस्थिति बनाई थी। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही टाइगर ने रूसी माफिया वाले एक एक्शन सीन के लिए लगभग 10 दिनों तक की शूटिंग की और अब खबर है कि इसके बदले में शाहरुख खान सलमान खान के लिए टाइगर 3 में अपने रोल के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पठान की तरह ही शाहरुख खान को भी टाइगर 3 में सलमान खान के साथ लगभग 10 दिनों तक की शूटिंग करनी है। सलमान के पठान में हेलीकॉप्टर से एंट्री हुई है, वहीं दूसरी तरफ टाइगर 3 में शाहरुख के लिए भी एक खास इंट्रोडक्शन सीन तैयार किया जा रहा है, जिसकी डिटेल फिलहाल गुप्त रखी गई है। आपको बता दें कि टाइगर 3 का निर्देशन मनीष शर्मा ने किया है। सलीम खान को बांद्रा में उनके और सलमान खान दोनों के लिए जान से मारने की धमकी वाला एक पत्र मिलने के बाद से सलमान खान हर दिन सुर्खियां बटोर रहे हैं। कथित तौर पर लोकप्रिय पंजाबी गायक और रैपर सिद्धू मूसेवाला की मौत के ठीक बाद बिश्नोई समूह जिसने पंजाबी गायक और रैपर को मारने का दावा किया था, उनका एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें सलमान को धमकी दी गई है। इसके बाद उनकी सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई थी, लेकिन अभी ताजा रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सलमान खान ने मंगलवार को किसी भी व्यक्ति की धमकियों से इनकार कर दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुलिस ने धमकी भरा पत्र जारी होने के बाद सोमवार को एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामले को दर्ज कर लिया था, लेकिन आज सलमान खान ने हाल ही के दिनों में पुलिस को दिए एक बयान में किसी भी व्यक्ति से धमकी भरी कॉल या किसी के साथ विवाद से इनकार कर दिया है। 6 जून को कई सीबीआई अधिकारियों ने सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में देखा गया था, जहां वो मामले की जांच के लिए पहुंचे थे। कार्तिक आर्यन अपनी हॉरर कॉमेडी भूल भुलैया 2 की सफलता के आधार पर काम कर रहे हैं और फिल्म ने हाल ही में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर लिया है। अपनी सफलता का जश्न मनाने के लिए कार्तिक आर्यन ने ट्विटर पर आस्क मी एनीथिंग सेशन आयोजित किया था। सत्र के दौरान कार्तिक ने अपने सिग्नेचर हेयर स्टाइल, अपने रिश्ते की स्थिति और बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड फिल्मों के सूखे जादू को तोड़ने के बारे में बयान दिया। जब एक फैन ने कार्तिक आर्यन से पूछा कि भूल भुलैया 2 की भारी सफलता के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं, तो कार्तिक आर्यन ने ट्वीट किया कि मैं शहजादा की तरह महसूस कर रहा हूं। कार्तिक आर्यन से ये भी पूछा गया कि फिल्म की कमाई का कितना हिस्सा कार्तिक को मिला है, जिस पर उन्होंने पोस्ट के साथ ही जवाब दिया कि जिसमें लिखा था 150 करोड़ में लाभ नहीं, प्रशंसकों का प्यार मिला है, कोई नंबर सबसे बड़ा नहीं होता। आपको बता दें कि अगली बार फिल्म शहजादा में नजर आएंगे कार्तिक आर्यन। अक्षय कुमार, मानुषी छिल्लर, सोनू सूद और संजय दत्त अभिनीत सम्राट पृथ्वीराज 3 जून 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। सम्राट पृथ्वीराज के पास 39 करोड़ का नेट वीकेंड है। फिल्म ने सोमवार को 4 करोड़ 80 लाख के साथ एक बड़ी दिखावट देखी। मंगलवार को भी फिल्म का बिजनेस नीचे गिरकर 4 करोड़ 15 लाख हो गया। बेशक ये अक्की फैंस के लिए अच्छी खबर नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी देश दुनिया और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।